एवरीवन, आई एम श्वेता एंड वेलकम बैक माय चैनल स्टाइल कॉर्नर बाय श्वेता। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेकअप करने के बाद मेकअप काला क्यों हो जाता है। ये स्पेशली सभी लोगों की प्रॉब्लम होती है, सभी के साथ ऐसा होता है कि मेकअप करने के बाद थोड़ी देर बाद ही ऐसा लगने लगता है कि मेकअप इतना काला क्यों हो गया। हम खुद को खुद ही नहीं पहचानते कि ये हम ही है। तो गाइस, कई बार ऐसा होता है कि इतनी ज्यादा स्वेटिंग होती है कि मेकअप पूरा मैट होके बहने लग जाता है और जगह जगह पे हमें पैचेस हो जाते हैं। तो गाइस, हम बहुत ही अच्छे मेकअप प्रोडक्ट्स भी यूज कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे क्वालिटी उनकी अच्छी है, ब्रांड्स भी अच्छे हैं, फिर भी ऐसा क्यों होता है। तो वो सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बेकार लगती है क्योंकि हम मेकअप करने में इतना ज्यादा टाइम लगाते हैं और उसके बाद अगर ये सिचुएशन हो तो ऑब्वियसली सभी को बुरा लगता है। तो आज मैं कुछ कंडीशन ऐसी बताऊंगी कि उस कंडीशन में मेकअप काला होता क्यों है और उसके सॉल्यूशन भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहली जो मिस्टेक है वो ये है कि अगर हम कहीं पे भी जाते हैं तो सबसे पहले मेकअप करने से पहले हम 2 से 3 मिनट्स पहले ही फेस वॉश करते हैं। तो ये मेरे साथ ही नहीं, सभी के साथ ऐसा होता है, सभी ऐसा करते हैं कि हमें कहीं जाना है तो सबसे पहले हम फेस वॉश करते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको मेकअप करना है तो उसके 20 या 30 मिनट्स पहले आपको फेस वॉश करना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन जब होती है जब अगर आप उसी टाइम फेस वॉश करते हैं तो आपकी स्किन का जो नेचुरल ऑयल होता है वो बिल्कुल निकल जाता है, और अगर जैसे ही आप मेकअप करने लगते हैं तो जो स्किन होती है वो अपना ऑयल दोबारा से प्रोड्यूस करने लग जाती है, दोबारा से वो बनने लग जाता है ऑयल और वो मेकअप के ऊपर बाहर आ जाता है। गाइस, कभी भी आपको मेकअप करना है, कहीं भी जाना है, तो ध्यान रखिए इस चीज का कि आप 15 से 20 मिनट पहले अपना फेस वॉश कर ले अच्छे से, जिससे आपकी स्किन जो है अपना ऑयल पहले ही प्रोड्यूस कर लेगी, बिल्कुल इवन नॉर्मल स्किन टोन हो जाएगा, और उसके बाद ही आप मेकअप स्टार्ट करें, जिससे कि आपकी मेकअप है जो काला नहीं होगा। तो ये आप कर सकते हैं, आप 15 से 20 मिनट पहले ही फेस वॉश करें। सेकंड, आप जब भी मेकअप करें तो ध्यान रखें कि मेकअप करने से पहले आपको आइस मसाज लेना बहुत ही जरूरी होता है। आइस मसाज लेना इसलिए जरूरी है कि आइस मसाज लेने से क्या होता है कि आपके जो ओपन पोर्स हैं वो थोड़ी देर के लिए श्रिंक हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि ओपन पोर्स कभी भी थोड़े छोटे छोटे होते हैं, वो बंद जरूर हो सकते हैं, लेकिन जो बड़े ओपन पोर्स होते हैं वो कभी भी बंद नहीं होते, चाहे आप कोई से भी चीज यूज करें। बस ये होता है कि थोड़ी देर के लिए वो श्रिंक हो जाते हैं, जिससे वो जो ऑयल निकालते हैं, जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, वो निकालना बंद हो जाता है थोड़ी देर के लिए। तो मेक श्योर आप ध्यान रखें कि जब भी आप मेकअप करें तो थोड़ी देर पहले आप आइस मसाज जरूर ले लें, जिससे कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे, मेकअप बिल्कुल भी काला नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए जो ओपन पोर्स है एकदम शांत हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, जिससे कि बिल्कुल भी ऑयल आपकी स्किन पे नहीं निकलेगा। थर्ड, तो जब भी आप मेकअप करें तो पॉसिबल हो तो 15 से 20 मिनट पहले, आधे एक घंटे पहले एक फेस पैक जरूर अप्लाई कर लें। यानी कि मार्केट में बहुत सारे फेस पैक अवेलेबल है, आपका पूरा ऑयल है वो एकदम से पूरा खींच लेते हैं और आपकी स्किन एकदम ड्राई हो जाती है। तो चारकोल जो फेस पैक होते हैं, क्ले मास्क होते हैं, ये इन चीज के लिए बहुत ही बेटर है। तो आप ट्राइकोन क्ले मास्क जो मेरे पास है अभी मैं यूज करती हूँ, ये वाला यूज कर सकते हैं। अगर आपको मार्केट की चीजों पर नहीं जाना है तो आप होम रेमेडी भी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अप्लाई करें मुल्तानी मिट्टी, बेसन की कोई भी फेस पैक आप अपने फेस पे अप्लाई करें, तो जिसे क्या होगा कि ये आपका जो पूरा ऑयल है स्किन का, फेस का, ये पूरा खींच लेता है, काफी लंबे समय तक आपकी स्किन ड्राई रहती है और आपका मेकअप बिल्कुल भी काला नहीं होता। कह रहे हैं कि आप मार्केट से ही लेके फेस पैक यूज करें, या फिर कोई सा भी हिमालय फेस पैक है, ये है ट्राइकॉन के फेस पैक है, होम रेमेडी है, सबसे अच्छा है मुल्तानी मिट्टी जो सबके घर में मिल जाती है, तो वो यूज कर सकते हैं। फोर्थ, तो गाइस, जब भी आप मेकअप करें तो हम मेकअप करने के बाद फाउंडेशन लगाने के बाद एक कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करते हैं। तो कॉम्पैक्ट पाउडर को आप स्विच कर सकते हैं अपने लूज पाउडर में, क्योंकि कॉम्पैक्ट पाउडर उन स्किन टाइप वाले लोगों के लिए होता है जिनकी स्किन होती है ड्राई टू नॉर्मल। लेकिन अगर आपकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है और अगर आपको स्वेटिंग की बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है, मेकअप बहुत ही जल्दी काला हो जाता है और स्पेशली समर्स में, तो गाइस अपने कॉम्पैक्ट पाउडर को स्विच कीजिए लूज पाउडर के साथ। यानी कि मार्केट में बहुत सारे लूज पाउडर अभी मिल रहे हैं, बहुत सारे अवेलेबल है, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, मैक लूज पाउडर, शिवाना का लूज पाउडर, मेबेलिन का लूज पाउडर अभी अवेलेबल है, लैक्मे लूज पाउडर अवेलेबल है। तो आप जो अपना कॉम्पैक्ट पाउडर है उसको स्विच करो लूज पाउडर के साथ। फिफ्थ, अपने फाउंडेशन को स्विच करें एक पैनकेक के साथ। यानी कि अगर आप लिक्विड फाउंडेशन यूज कर रहे हैं तो आप उसे पैनकेक के साथ स्विच करें।
मार्केट में बहुत सारी फाउंडेशन स्टिक अवेलेबल है, ओलिविया की स्टिक अवेलेबल है, ओलिविया का पैनकेक अवेलेबल है, मैक के पैनकेक अवेलेबल है, तो आप अपने फाउंडेशन को उसके साथ स्विच करें, क्योंकि जो लिक्विड फाउंडेशन आप यूज कर रहे हैं वो बहुत ही जल्दी उसमें स्वेटिंग की प्रॉब्लम होने लग जाती है, वो काले हो जाते हैं, क्योंकि आपकी स्किन है पहले से ऑयली, तो आपको इतना ज्यादा मॉइस्चराइजर क्रीमी फाउंडेशन लगाने की नीड नहीं है। आप कोई सी भी स्टिक अगर यूज करेंगे तो वो बहुत सही रहेगी आपकी स्किन पे, क्योंकि तो आपकी स्किन जो है पहले से मॉइस्चराइज होती है, तो अगर आप वो लगाएंगे तो आपकी स्किन, आपका जो फाउंडेशन है बिल्कुल भी काला नहीं होगा, मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, मेकअप बिल्कुल काला नहीं होगा। तो फिफ्थ जो मैं एडवाइस दूंगी वो ये है कि अपने फाउंडेशन को एक अच्छी मार्केट में जो अवेलेबल है ओलिविया स्टिक या फिर पैनकेक के साथ स्विच जरूर करें। तो गाइस आई होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, और उसके पास में ये बेल आइकन उसे भी प्रेस कर देना जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए बाय गाइस।